हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जसविंदर का तड़का। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चॉकलेट केक की रेसिपी, जिसका नाम सुनते ही सभी के मुंह में पानी आ जाता है। ये बहुत ही टेस्टी है, डिलीशियस। आज हम इसे बनाएंगे बिना चॉकलेट के और बिना क्रीम के। तो ये बहुत ही स्पॉन्जी बनता है, ये देखिए कितना टेस्टी लग रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 1/3 कप ऑयल लिया है। अब आप यहाँ पे कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो। अब मैंने 1/3 कप यहाँ पर दही लिया है। यहाँ पे मैं फ्रेश दही यूज़ कर रही हूँ। इस बात का ध्यान रखना है कि दही जो है वो खट्टा नहीं होना चाहिए। इसके बाद मैं 1/3 कप पिसी हुई चीनी ले रही हूँ। इन तीनों को डालकर हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ ये जो हमारा घोल है वो एयरी सा होना चाहिए। इनको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद ये स्मूथ सा बैटर बन जाएगा। इसके बाद मैंने इस पर छन्नी रखी है। छन्नी पर 1 कप मैंने मैदा लिया है। इसके बाद मैंने 3 चम्मच कोको पाउडर के लिए हैं। अगर कोको पाउडर नहीं है तो आप कॉफ़ी भी डाल सकते हो। 1 चम्मच मैंने बेकिंग पाउडर लिया है। 1 पिंच यहाँ पर नमक और 1 पिंच ही बेकिंग सोडा ले रही हूँ। इनको हम अच्छे से छान लेंगे। अच्छे से छानने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करते हुए इसमें हम 1 कप मैंने दूध लिया है, जिसको हम थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इसको लगातार चलाते जाएंगे। दूध को हमें एक साथ नहीं डालना है, धीरे धीरे ही डालना है। इस प्रकार की इसका स्मूथ सा बैटर बन जाए। इसका बैटर जो है वो फ्लोइंग रिबन का होना चाहिए। या आप देख सकते हैं कि कितना स्मूथ बैटर बनकर तैयार हो गया है। इस प्रकार का बैटर हमारा होना चाहिए। इसके बाद मैंने एक कुकर लिया है, उसमें थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। गैस की फ्लेम को मैंने फुल रखा है और यहाँ पर एक मैंने कंटेनर में बटर पेपर लिया है, उस पर हम तेल को ग्रीस कर देंगे। अगर बटर पेपर नहीं है तो आप ऐसे भी तेल लगा सकते हो। इसके बाद हमने जो बैटर तैयार किया है वो इसमें डाल देंगे। सारा बैटर मैंने यहाँ पर डाल दिया है और डालने के बाद इसे हम धीरे धीरे टैप कर देंगे। टैप करने के बाद इसे हम कुकर में डाल देंगे। गैस की फ्लेम को मैंने 5 मिनट फुल रखा है। उसके बाद हम लो फ्लेम पर 15-20 मिनट पकाएंगे। अब हम गनाश तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने 3 चम्मच कोको पाउडर के लिए है और 1 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है। इनको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालती जाऊंगी और मिक्स करती जाऊंगी। 4-5 चम्मच मैंने यहाँ पर दूध के डाले हैं। इसके बाद हम 3 चम्मच यहाँ पर मैंने पीसी हुई चीनी ली है। अगर पीसी हुई चीनी नहीं है तो दूसरी चीनी भी आप ले सकते हो। तो अब इसको हम गैस पर चढ़ाएंगे। गैस की फ्लेम को मैंने यहाँ पर फुल रखा है। उसके बाद हम स्लो कर देंगे। तो इसके बाद मैंने 3 चम्मच यहाँ पर बटर के लिए हैं। बटर को डालने के बाद इसको धीरे धीरे लगातार चलाते जाएंगे जब तक कि ये मिक्स ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि हमारा मिक्सचर जो है वो तैयार हो गया है। हमें गाढ़ा सा घोल एक तैयार करना है। अगर गाढ़ा लगे तो आप और दूध ऐड कर सकते हो। तो इधर हमारा केक भी बनकर तैयार हो गया है। ये काफ़ी फुला फुला सा बना है। इसको हम अब डीबोल्ड करेंगे। उसके बाद हम कंटेनर को उल्टा कर देंगे और थोड़ा थोड़ा हम टैप करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा केक जो बनकर तैयार हो गया है। बटर पेपर हम ऊपर से उतार लेते हैं। तो ये देखिए कितना डिलीशियस लग रहा है। तो हमारा केक बनकर रेडी है। ये देखिए कितना स्पॉन्जी सा लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर का जो अनइवन पार्ट है उसे कट कर देंगे ताकि इसका बैलेंस इक्वल बना रहे। अब हम एक प्लेट लेंगे। प्लेट के ऊपर मैंने फ्रीज़र का एक कवर रखा है, उस पर मैंने केक को रखा है। ये गनाश जो हमने रेडी किया था वो इसके ऊपर डाल देंगे। ये सारा गनाश जो है वो स्प्रेड हो गया है। बहुत केक हमारा यम्मी सा लग रहा है। अब हम इसको और डेकोरेट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर सिल्वर बॉल लिए हैं। आप गार्निशिंग के लिए सिल्वर बॉल भी ले सकते हो, आपकी चॉइस है, आपको क्या पसंद है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा केक बनकर तैयार हो गया है। कितना यम्मी और डिलीशियस लग रहा है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।